प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पार्ट 3 बादशाह की रजाई को पढ़ा था व उसका अभ्यास कार्य भी किया था। आज आप पढ़ेंगे एक सुंदर सी कविता। क्या पढ़ेंगे आज आप? आज आप पढ़ेंगे एक सुंदर सी कविता। कविता का नाम है जी होता चिड़िया बन जाऊं, है ना? तो अब आप अपनी बुक हिंदी उत्कर्ष का पार्ट 4 खोलिए। जी होता चिड़िया बन जाऊं। इस कविता के कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। कौन है इस कविता के कवि? श्री सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। कविता के माध्यम से कवि प्रकृति से जुड़े रहकर स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं कवि? कविता के माध्यम से कवि प्रकृति से जुड़े रहकर स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहते हैं। तो आइए कविता पढ़कर उसका आनंद लें। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नव में उड़कर सुख पाऊं। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जिस तरह खुले नीले गगन में पंख फैलाकर उड़ती चिड़िया अच्छी लगती हैं और वे स्वतंत्र रूप से उड़ती हैं, दूर दूर की सैर करती हैं, तो मैं भी इसी तरह चिड़िया बन जाऊं और नव यानी आकाश में उड़कर सुख यानी आनंद पाऊं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। मैं किस तरह करूं? मैं ठीक उसी तरह करूं जिस तरह पेड़ों की डाली पर चिड़िया आकर फुदकती हैं और क्या करती हैं? मीठे मीठे फल काट काट कर खाती हैं। ठीक उसी तरह मैं चिड़िया बन जाऊं और जो चिड़िया काम करती है वही कार्य मैं भी करूं। तरु यानी पेड़, तरु यानी पेड़, कुतर कुतर कर यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट कर उसे, जंगल जंगल में उड़ विचरूं, विचरूं यानी घूमूं, विचरूं यानी घूमूं, जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। इठलाऊं यानी इतराना, इठलाने से मतलब है यहाँ इतराना, और विचरू से क्या मतलब है? घूमने से, विचरू यानी घूमूं। तो कवि का मंतव्य ये है कि जिस तरह चिड़िया जंगल जंगल में उड़ती है ना, कहाँ कहाँ पर उड़ती है? जंगल जंगल और सभी जगह की सैर करती है, चाहे वे पर्वत हो घाटी हो, है ना? कैसे करती है? बंधन मुक्त होकर, बिल्कुल स्वतंत्र भाव से, आजाद भाव से, है ना? और सब जग को देखती है और इठलाती है। उसी ठीक उसी तरह मैं भी चिड़िया बनकर जंगल जंगल में उड़ूं, घूमूं, पर्वत घाटी सभी की सैर करूं और पूरा जग देखकर इतराऊं। मेरा मन भी ऐसा होता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, स्वतंत्र यानी आजाद, कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कहीं कोई बंधन, बंधन यानी रुकावट, मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो कवि कहते हैं कि इनका जो जीवन है कितना आजाद, बिल्कुल स्वतंत्र है, इनके लिए कोई बंधन नहीं है, ये सब क्या है? बंधन मुक्त है, और ये बंधन मुक्त होकर ही पूरी दुनिया की सैर करती हैं, है ना? तो मैं भी इनकी ही तरह बंधन मुक्त होकर पूरी दुनिया की सैर करूं और मैं भी इनका जीवन जीऊं, मेरा ऐसा मन करता है। कौन कह रहा है ये? कवि कह रहे हैं कि मैं भी स्वतंत्रता से, आज़ादी से, जैसे चिड़िया अपना जीवन जीती हैं, मैं भी अपना जीवन वैसा ही जीऊं। तो कवि क्या चाहते हैं? कवि भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। ऐसा ही भाव इन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है।
तो बच्चों यहाँ मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है, जैसे चिड़िया, सुख, तरु, हरियाली, कुतर कुतर कर, विचरू, पर्वत, सैर, इठ लाऊं, स्वतंत्र, बंधन। आपको भी इन सभी शब्दों को अपनी बुक में अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है और अपनी नोटबुक में इन सभी शब्दों को अर्थ सहित लिखना भी है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप कराए गए कार्य का अभ्यास करें। धन्यवाद।